नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विथ रईस में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस फिजिकल एग्जाम डेट के रिगार्डिंग। जैसा कि आप लोग के मालूम होगा कि दिल्ली पुलिस का जो रिजल्ट है 31/12, जी हाँ दोस्तों 31/12/2023 को जारी किया गया था, जिसमें 80,000 प्लस कैंडिडेट का यहाँ पर सफल हुए हैं। दोस्तों ये सारे कैंडिडेट हैं जो फिजिकल डेट की इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अभी ऑफिशियली जारी नहीं किया गया है। लेकिन दोस्तों सोशल मीडिया पर इसके रिगार्डिंग दो लेटर वायरल हो रहे हैं। दोस्तों पहले जो लेटर वायरल हुआ था उसके रिगार्डिंग मैंने भी वीडियो बनाया था, जिसमें बताया था कि आप लोग का जो फिजिकल है 27/1/2024 से कंडक्ट होने जा रहा है। और दोस्तों ये जो नोटिस है हद तक सही ही है, जहाँ तक मैंने पता किया ये जो नोटिस है ऑफिशियल है, आपको जो फिजिकल है 27 जनवरी से ही स्टार्ट होने वाला है। वही दोस्तों उसी बीच यहाँ पे देख सकते हैं एक नोटिस वायरल हुआ है 29/12/2023 के डेट में, जो कि सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं और अभ्यर्थियों को खूब कंफ्यूज करवा रहे हैं। अभ्यर्थी सोच रहे हैं कि भले ही 27 तारीख के हो, लेकिन यहाँ पे मेंशन किया गया है कि आप लोग को 16 जनवरी से ही आप लोग को फिजिकल होगा। तो दोस्तों अगर इतने जल्दी फिजिकल कंडक्ट कराया जाता है तो अभ्यर्थियों का जो फिजिकल है पूर्ण रूप से तैयार नहीं हो पाएगा। अभ्यर्थी भी सोच रहे होंगे कि फिजिकल भले ही 27 जनवरी से स्टार्ट हो। तो दोस्तों इस स्थिति में यहाँ पे जो अभ्यर्थी हैं असमंजस में हैं। तो दोस्तों आप लोग को क्लियरिफाई करना चाहूँगा कि ये जो 16 जनवरी का जो लेटर वायरल हो रहा है दोस्तों, ये भी आपको रियल है। अब दोस्तों आप लोग और कंफ्यूज हो गए होंगे, देखिए ये भी तो 27 वाला ही तो रियल ही है और 16 वाला भी रियल ही है, तो दोनों डेट कैसे हो सकता है, वही तो एक ही डेट में स्टार्ट होगा ना। जी हाँ दोस्तों, आप लोग का 16 जनवरी का जो है एक प्रपोजल यहाँ पे गया है, लेकिन ये एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा ये भी कुछ नहीं कहा जा सकता। दोस्तों ये जो एक्सेप्ट होने की बात है 99% आप मान के चले कि ना कि बराबर है। जैसा कि आप लोग के मालूम होगा कि दिल्ली में 26 जनवरी को यहाँ पे भव्य एक समारोह होता है, यहाँ पे 26 जनवरी मनाया जाता है। तो दोस्तों इस कंडीशन में यहाँ पे जो बाहर के जो कैंडिडेट होते हैं, बाहर के जो आम पब्लिक होते हैं, यहाँ पे एंट्री करने के लिए थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे जानते हैं कि 26 तारीख को जब यहाँ पे प्रोग्राम होता है तो आपको मेट्रो से लेकर के बस से ऑटो सारे यहाँ पे रोड डाइवर्ट हो जाते हैं, आपको बहुत ही कम होता है, चेकिंग बढ़ जाता है। इस कंडीशन में यहाँ पे 80,000 के आसपास में बाहरी आदमी को, जैसे यूपी हरियाणा बिहार के अभ्यर्थियों को बुला करके क्या एंट्री करवा सकते हैं? दोस्तों मेरे को तो नहीं लगता कि इस कंडीशन में 26 जनवरी के इतना भव्य जो प्रोग्राम होता है उसके पहले यहाँ पे दिल्ली में 80,000 अभ्यर्थियों को यहाँ पे जगह दिया जाएगा। तो दोस्तों हालांकि ये जो भी रियल है इसको अगर वेरीफाई किए तो पता चला कि दोस्तों जो इसमें जो ग्राउंड का मेंशन किया गया है, 4 ग्राउंड की प्रिपरेशन चल रहा है, ग्राउंड की तैयारी करने के लिए बोला गया है। जो दिल्ली पुलिस के द्वारा जो खबर आया है कि आपको 16 जनवरी तक आप लोग को ग्राउंड को क्लियर कर देना है, लेकिन दोस्तों ये अभी तक 100% कन्फर्म नहीं हो पाया है कि 16 तारीख से स्टार्ट होगा। तो दोस्तों ये जो आपका प्रपोजल है जो 16 तारीख वाला, ये 99% आपको समझिए कि दोस्तों ये कैंसिल ही होगा, आपका जो यहाँ पे जो क्लियर होगा 27 वाला ही क्लियर होगा, और नहीं तो दोस्तों डाटा चांस है कि आपका डेट एक्सटेंड भी हो सकता है। ऐसे दोस्तों जो आपका यहाँ पे फिजिकल होना चाहिए था 29, जो 29 तारीख को यहाँ पे बीटिंग रिट्रीट डे मनाया जाता है, उसके बाद में यहाँ पे पूरा जो कार्यक्रम होता है समापन कर दिया जाता है, उसके बाद में यहाँ पे कोई भी प्रोग्राम हो कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे दो प्रपोजल है, दोनों में से कोई एक डेट तो क्लियर ही होगा, ज़्यादा चांस है कि आपको 27 वाला क्लियर होगा। तो अभी फाइनल कुछ भी नहीं है, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ग्राउंड तैयार है। ये तो रिपोर्ट 100% आ गई है कि ग्राउंड को प्रिपेयर करने के लिए बोल दिया गया है कि आप 16 जनवरी तक 16/1 तक आपको यहाँ पे रेडी कर देना है। तो दोस्तों आप लोग 16 को भी मानकर प्रिपरेशन कर सकते हैं, हालांकि मेरे हिसाब से समय मिलना चाहिए, हो सकता है कि आपका जो एग्ज़ाम है फिजिकल एग्ज़ाम है 27 से ही स्टार्ट हो, उससे पहले ना स्टार्ट हो, और 27 से स्टार्ट होता है आपके लिए बेनिफिट ही है। दोस्तों आपको अपडेट कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। मुझे देखने के लिए धन्यवाद।